को बताया वीडियो के अंदर कि इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर आया है, यहाँ तो नहीं दिया बजाज ने कुछ भी। यहाँ तो देखो सेंटर में बजाज का लोगो है, इंजन माल फंक्शन की लाइट है एंड यहाँ पे ABS की लाइट है। अब लोग अपना दिया क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो टुडे वी हैव दिस अमेजिंग बीस्ट डोमिना 250 E20 कंप्लायंट एंड दिस बाइक हैज अ लॉट ऑफ चेंजेस। सो बहुत सारे चेंजेस बजाज ने इसके अंदर कर दिए हैं और जो सबसे मोस्ट अवेटेड फीचर था इस बाइक के लिए गियर पोजीशन इंडिकेटर है। सो बहुत लोगों की डिमांड थी कि जैसे अपनी D400 डोमिनर 400 में गियर पोजीशन इंडिकेटर आता है टैंक के ऊपर, तो सेम फीचर हमें डोमिनर 250 में भी चाहिए। बट बजाज ने उसके अंदर एक मतलब ट्विक कर दिया और गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको टैंक पे नहीं दिया, एक सीक्रेट प्लेस पे दिया है। वो आपको पूरी वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे दिया है गियर पोजीशन इंडिकेटर। और साथ में बहुत ही सारे ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए हैं जो कि डेली टू डेली ड्राइव के लिए और लॉन्ग हाईवे राइड के लिए जो कि बहुत नेसेसरी फीचर्स होते हैं। और वो हो भी क्यों ना ऐड भाई, क्योंकि ये एक जैसे हाईवे टूरर मशीन डोमिनार, कोई चाहे डोमिनार 250 ले लो चाहे 400 ले लो, दोनों एक हाईवे टूरर है। और बाइक का वेट 180 kg वेट है, तो इतना हैवी वेट इस बाइक का है। उसके बाद भी इसकी ज़बरदस्त पावर एंड इसका परफॉर्मेंस ऑन द रोड इज़ वेरी ग्रेट। मेरा दोस्त यूज़ कर रहा है, मेरे को पता है कि भाई इस बाइक की क्या चीज़ है, ऑलरेडी वो लद्दाख कर चुका है इस बाइक से। सो ये देख लो, ये है अपनी डोमिनार 250 E20 कंप्लायंट एंड दिस इज ए BS6 फेस 2 OBD2 विद OBD2 स्कैनर। और दोस्तों ये है इसका ब्लैक कलर और बाइक क्या जबरदस्त लग रही है ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही किलर। और इस बाइक का जो लुक है ना वो तो यार मैं बता ही नहीं सकता, मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक है ये, मतलब डोमिनार 400 बट ये सेम कैरी मतलब लुक कैरी करती है, तो बिल्कुल सेम है। बट आप इंजन की बात करो तो इंजन थोड़ा सा इसका लेस कैपेसिटी का इंजन आपको मिल जाएगा इसमें, 250 cc का आपको इंजन मिल जाएगा। और बाइक देख ही रहे हो अच्छी लग रही है, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से 1 lakh सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो, अपनी डोमिनार 400 आ जाएगी उसी दिन जिस दिन 1 lakh सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दोगे। तो अभी चलते हैं फटाफट, यहाँ पे पहले दिखाता हूँ, E20 कंप्लायंट है, यहाँ देख लो, ये देखो, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड अब आपको इसकी हेडलाइट दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है कुछ इसकी हेडलाइट्स एंड इसकी हेडलाइट्स यार बहुत ही मतलब किलर लुक है इसकी हेडलाइट्स का, बिल्कुल डियावल वाला लुक देती है ये, मतलब डेविल वाला लुक देती है। और इसका जो लुक है वो आप देखोगे तो दुकाती की डियावल आती है ना थोड़ा, वहाँ से कैरी फॉरवर्ड लुक करा हुआ है, तो आपको सुपर बाइक वाली फील भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। एंड जो इसका प्लस पॉइंट है इसकी हेडलाइट का वो है इसकी 1 km तक का थ्रो, 1 km तक की आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलती है इसकी हेडलाइट के अंदर, क्योंकि ये सेम हेडलाइट यूज़ करती है जो कि अपनी D400 यूज़ करती है। बट वाइजर देखोगे तो वाइजर में आपको डिफरेंस ज़रूर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको छोटा सा वाइजर मिलेगा, स्मोक ब्लैक कलर में वाइजर मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एक स्ट्रीट के लिए ज़्यादा फोकस करती है डोमिनार 250 अपनी। एंड यहाँ पे आपको थोड़े से ये ग्राफिक्स एंड ऑल मिल जाएंगे इधर, तो यहाँ पे कवर है इसको हटाएंगे नहीं ग्राफिक्स को। और यहाँ पे एक आपको छोटा सा सिल्वर फिनिश मिल जाएगा इधर इसके नीचे, और इसको अभी कर देते हैं बंद ताकि इसकी बैटरी लो ना हो। एंड आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एक बार दिखाया था मैं LED इंडिकेटर्स ऑन करके, तो कुछ इस तरीके आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे इसके अंदर, जो कि सेम अपने KTMs के अंदर भी आते हैं एंड RS 200 में भी यही सेम इंडिकेटर आते हैं। और बात करें यहाँ पे USD फॉक्स की, तो इसमें फ्रंट में USD फॉक्स देते हैं दे रखे हैं बजाज ने, जो कि बहुत ही अच्छे आपकी राइड जो राइड क्वालिटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है अपनी USD से, तो वो USD का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया। एंड एंड्योरेंस के आपको USD फोक्स दे रखे हैं यहाँ पे। और फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो फ्रंट मडगार्ड आपको डुअल शेड मिलने वाला है, रियर में आपको ये मिलने वाला है अपना मैट ब्लैक एंड फ्रंट में आपको मिलने वाला है पूरा ग्लॉसी ब्लैक विद अ ग्लिटर्स इन इट, तो ग्लिटर्स आपको इसमें मिल जाएंगे जैसे आपको पेंट में मिलेंगे। और यहाँ से दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें बहुत यूथ सी डिस्क मिल जाएगी आपको, जिससे आपकी ब्रेकिंग की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है विद अ बाइब्रे ब्रेक कैलिपर्स। तो भाई बाइब्रे ब्रेक कैलिपर्स तो हमेशा से मेरे पर्सनल फेवरेट है, मतलब हमेशा से बेस्ट है जितने भी बाइक एंथुजियास्ट होते हैं ना उनके बाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स, क्योंकि ये यार फ्रॉम द ब्रेम्बो इट्सेल्फ, ब्रेम्बो आपको पता है कितना बड़ा ब्रांड है, सो उसी के लिए उसी ब्रांड से ही आता है बाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। एंड द ABS, सो डुअल चैनल आपको ABS मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। बट एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है अपने डायमंड गट अलॉय व्हील्स, सो डायमंड गट अलॉय व्हील्स भी इसमें आ जाने चाहिए थे, डोमिनार में आ जाने चाहिए थे, क्योंकि डोमिनार की फैंटेसी है वो एक चीज़। और बात करूँ फ्रंट, आपको टायर बता दूँ मैं यहाँ पे, सो फ्रंट टायर की बात कर लेते हैं एक बार, तो फ्रंट यहाँ पे MRF का ज़ैपा टायर मिल जाएगा आपको। और बात करूँ टायर साइज़ की, तो इसमें 100 सेक्शन का टायर मिलेगा आपको, 100 और 17 inches व्हील मिल जाएगा इसके अंदर आपको, और ये 100 सेक्शन का आपको MRF का ज़ैपा टायर मिल जाएगा नायलॉन ग्रिप, ठीक है। एंड बात करें यहाँ पे ये पूरी बाइक का, तो देख लो पूरी 180 kg की बाइक है, अच्छी खासी भारी बाइक है और उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस भी है।
सो बात करें यहाँ टैंक की, तो ये आपको टैंक मिल जाएगा यहाँ पे डोमिनार की बैजिंग विद द सिल्वर ग्राफिक्स, तो बहुत सारे सिल्वर आपको इसमें वो मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से ये पेंटेड पार्ट है, ये ग्राफिक्स आपको मिल जाएगा सिल्वर फिनिश में, तो ये देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पे डोमिनार की बैजिंग E20 एंड यहाँ पे आपकी डिस्प्ले, डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी विद, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आपका मतलब एक पैड मिल जाएगा जिससे आपके स्क्रैचेस ना पड़े, टैंक पैड। और सीट की बात करें तो स्प्लिट सीट मिलने वाली है आपको जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और काफ़ी वाइड है। देख लो पिलियन के लिए भी इतनी वाइड सीट है और राइडर के लिए भी काफ़ी वाइड सीट है, तो अच्छी खासी आप इसमें टूरिंग कर सकते हो, आपको कोई इशू आने वाला नहीं है टूरिंग के अंदर। आप टूर पर ले जाओ, आप बाइक खरीदो और सीधा आपको लेके जाना है टूरिंग करनी है। अगर आपको थोड़े डिस्कम्फर्ट हो तो इसमें कुछ नहीं आप ऐड करा सकते हो। बाकी यहाँ पे डोमिनार 250 की बैजिंग दे रखी है और ये पूरा अपना पेंट देख रहे हो, पेंट की फिनिश क्वालिटी मतलब कितने ग्लिटर्स है, कितना शाइन कर रहा है पेंट। और रियर पार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब रेस मिल जाएंगे प्लेन के लिए एंड सेम विद यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। और यहाँ से देखोगे तो ये आपको मिल जाएंगी इसकी टेल लाइट्स, सो टेल लाइट्स भी बहुत अच्छी LED टेल लाइट्स मिल जाएंगी डोमिनार की जो आती है टेल लाइट्स वो। एंड यहाँ पे आपको एक ये ऐड कर दिया रिफ्लेक्टर जो रियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एंड द LED इंडिकेटर्स की बहुत ही बढ़िया है। और बाकी यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी और यहाँ पे आपको पूरा आ जाएगा नंबर प्लेट की। देखो यहाँ पे ना कुशन दिया हुआ, यहाँ पे एक ये फॉर्म सा दिया हुआ ताकि नंबर प्लेट यहाँ लगाओ तो वो आपके ना यहाँ पे लगे ना, आवाज़ ना करे, तो ये बहुत सारे जगह ये वाला इशू आ जाता है। तो बात करें यार इसकी, अब देखो यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ना भाई, एग्जॉस्ट भाई एग्जॉस्ट के तो इतने लोग फैन है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, जिसने ये बाइक ली है उसने इसका एग्जॉस्ट नहीं बदलवाया जब से ये वाला एग्जॉस्ट आया है। वो क्यों भाई, इसकी जो बात ही ऐसी है, मतलब ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट, इसका साउंड इतना बेसी है ना, आपको जरूरत लगा आपको फील ही नहीं होगा कि आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट चेंज कराना चाहिए। और बात करते हैं यहाँ रियर में, तो रियर में देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी डिस्क एंड डिस्क में आपको ABS रिंग मिल रही है, तो डुअल चैनल ABS है विद वाइब्रे ब्रेक कैलिपर्स, तो यहाँ वाइब्रे का आपको लोगो दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड रियर टायर, तो रियर टायर आपको यार 130 सेशन का टायर मिलेगा, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई 130 नहीं चाहिए इस बाइक के अंदर, हमको एटलीस्ट 140 तो दो बजाज, जिसके अंदर यार ये डोमिनार 250 है इसके अंदर 130 सेक्शन टायर थोड़ा छोटा लगता है। और ये सेम टायर आपको उसमें भी मिल जाता है अपना NS के अंदर, और आपको 160 में भी आ रहा है सेम टायर, तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहिए था बजाज को यहाँ पे, ये इसको 130 से 140 कर देना चाहिए था। बट अगर आप बाइक ले रहे हो न्यू, आपने बाइक परचेज करी है, तो सेम डे अगर आप जाके किसी मतलब शोरूम से आप अगर टायर चेंज करवाओगे बाहर से, तो आपको इसका अच्छा खासी वैल्यू मिल जाएगी और आपको नए टायर पे पैसा थोड़ा बच जाएगा। 140 सेक्शन टायर इसमें आराम से फिट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी स्पेस है इसके स्विंग आर्म में, तो यहाँ अगर स्विंग आर्म में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें आप 150 सेक्शन तक टायर आप डाल सकते हो। तो अगर आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसलिए टायर, तो वो आप अपोलो का डालो टायर, अपोलो अल्फा करके H1 आता है, वो टायर इसमें डालो, वो बहुत बेस्ट टायर है इस बाइक के लिए। एंड यहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा मडगार्ड जो कि आपके सस्पेंशन को, रियर सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करेगा, तो रियर में आपको यहाँ पे मोनो शॉक मिल रहा है जो कि एडजस्टेबल है, इसकी सॉफ्टनेस हार्डनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, तो ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये प्रोटेक्शन दे दिया, इससे कि यहाँ पे रस्टिंग का इशू नहीं आएगा और आपका ये जो सस्पेंशन है ये वाला एरिया प्रोटेक्ट रहेगा। और इसमें यार आपका नॉर्मल बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म आता है, बट इसके अंदर भी अगर थोड़ा सा पैसा बजाज बढ़ा दे इस बाइक का और इसके अंदर एलुमिनियम स्विंग आर्म दे दे, सो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बट इसका जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है ना, ये देख लो काफ़ी हैवी दिया हुआ है और काफ़ी मतलब क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हैवी दिया हुआ है, इसकी क्वालिटी मुझे लग रहा है पहले से थोड़ी सी इंप्रूव करी है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक का पार्ट आता है, ये फाइबर का अच्छी क्वालिटी का पार्ट दे दिया है, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये इसको इंप्रूव करा है पहले से, क्योंकि मैंने पहले भी देखी डोमिनार, तो उससे मुझे थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट लग रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो ये अपने पिलियन के लिए फुट रेस्ट है, ये राइडर के लिए फुट रेस्ट है, ये रियर ब्रेक्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और आपको एक बार इस साइड से दिखा देता हूँ बाइक में, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा साड़ी गार्ड जो कि बाइक लेते निकाल देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बाइक का लुक खराब करने के लिए ये चीज़ मैं से बता रहा हूँ दी है, बट ये गवर्नमेंट नॉर्म्स है तो उसके वजह से कंपनी को देनी पड़ती है। और आपको बाकी पूरी ओपन चेन मिल जाएगी, चेन कवर मिल जाएगा एक हाफ चेन कवर जो कि ओके ओके टाइप है, बढ़िया है। और इसका एलुमिनियम वाला साइड स्टैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और डोमिनार 400 मिलता है वही साइड स्टैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और यहाँ देखो सो यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस है, देखो एक तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको लेग गार्ड मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेग गार्ड के साथ। अब बात करते हैं द हर्ट ऑफ द बाइक, तो अपना बाइक का इंजन, तो ये है अपना बजाज का, ये 250cc का इंजन आता है जो KTM ड्राइव इंजन है, ठीक है। अब ये क्या होता था, पहले इसमें आती थी DTSI टेक्नोलॉजी, अब क्या कर दी बजाज ने, इसमें से DTSI कर दिया रिमूव, देख लो इन्हें यहाँ DTSI लिखा है, एक बार मैं आपको उस साइड लेके दिखाता हूँ, तो भाई देख लो यहाँ पे भी, देख लो यहाँ पे भी DTSI लिखा नहीं है, तो अब इसमें DTSI हो गया रिमूव,
पहले इसमें ट्रिपल स्पार्क इंजन आता था, अभी ये सिंगल स्पार्क इंजन कर दिया है। सिंगल स्पार्क से कितना फ़र्क हुआ है, क्या इसकी पावर में फ़र्क आया है, क्या इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी राइड रिव्यू वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा आपको। सो इसमें आपको 26.6 BHP की पावर, 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो पहले मिल रहा था वही आपको आज भी मिलेगा। पावर में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट इंजन अब DTSI से रिमूव करके ये सिंगल स्पार्क इंजन कर दिया है। तो अभी देखते हैं चला के बाकी कैसे इसकी परफॉर्मेंस आती है। बाकी आपको इंजन मिल जाएगा लिक्विड कूल्ड, इसमें आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका कूलेंट का लेवल वगैरह आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको पूरा रेडिएटर मिल जाएगा विद अ सिंगल हॉर्न, यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा सिंगल हॉर्न दिया हुआ है और यहाँ रेडिएटर पूरा दिया हुआ है आपको। सो बाइक में आपको देखो हीटिंग के इश्यूज तो आने नहीं वाले हैं क्योंकि यार ये बहुत रिफाइंड इंजन है। सेम इंजन अगर आप देखोगे तो KTM 250 ड्यूक में यूज़ हो रहा है, RC 250 में यूज़ हो रहा है एंड सेम इंजन आपको यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बट जो ट्यूनिंग का है ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये बाइक एक अपनी हाईवे टूरर है, वो अपनी क्या कहते हैं एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, तो वहाँ पे थोड़ी ट्यूनिंग का डिफरेंस आ जाता है। बाकी इंजन की बात करें इंजन एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इनके इंजन के अंदर। और बाकी यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इंजन काउल। सो ये जो पहले डोमिनर 400 में आता था वो वाला इंजन काउल यहाँ पे अभी भी मिल रहा है, तो वही वाला आपको इंजन काउल यहाँ पे होगा। जैसे अब नई वाली में तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो चेंज कर दिया, उसमें यहाँ पे एलुमिनियम प्लेट वगैरह आ गई है। सो ये पुराना वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो पहले से आ रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं जो अपना मेजर चेंज है जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे, चल जाते इसके मीटर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर कि इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर आया है, यहाँ तो नहीं दिया बजाज ने कुछ भी, यहाँ तो देखो सेंटर में बजाज का लोगो है, इंजन मालफंक्शन की लाइट है एंड यहाँ पे ABS की लाइट है। अब लोग अपना दिया क्या है, ये देखो भाई यहाँ दिया है बजाज ने, इसको यहीं पर इंटीग्रेट कर दिया, अलग से एक डिस्प्ले नहीं दी। ये काफ़ी अच्छा करोगे, अगर अलग से अगर डिस्प्ले देती ना बजाज तो हो सकता है बाइक का थोड़ा प्राइस बढ़ जाता। तो बजाज ने क्या करा, आपने यहाँ पे जो ये इन्वर्टेड डिस्प्ले दी हुई है LCD इन्वर्टेड डिस्प्ले, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर दे दिया और साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी ऐड कर दी, प्लस डिस्टेंस टू एम्प्टी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी कितने अभी कितने पेट्रोल में बाइक कितना चल जाएगी देख रहे हो, मतलब क्या सारे फीचर्स बढ़िया बढ़िया फीचर्स इसमें ऐड कर दिए। और देखो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये सब भी ऐड कर दिया है, तो ये सब आप चेक कर सकते हो कि आपकी बाइक कितनी माइलेज है एंड ऑल ये सब दे रही है। बाकी ये आपका पूरा RPM का है, यहाँ पे जीरो की स्पीड वगैरह आ जाएगी या फ्यूल आ रहा है या टाइम आ रहा है या साइड स्टैंड का आ रहा है, बाकी न्यूट्रल और ये आपका जो इंजन हीटिंग एंड ऑल का वो यहाँ पर आ रहा है। बाकी बजाज की बाइक है तो यार बैकलाइट स्विचेस तो होंगे ही, तो बैकलाइट स्विचेस यहाँ पे अवेलेबल है, ये देख सकते हो ये रही अवेलेबल, और ये एलुमिनियम वाले आपको साइड मिरर्स मिल जाएंगे अच्छी खासा विजिबिलिटी के साथ। तो अब आपको बहुत देर से यार बहुत सब लोग वेट कर रहे होंगे, एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे एग्जॉस्ट नोट भी सुनाएंगे। सो गाइस सॉरी यार अभी आपको इसका एग्जॉस्ट नोट तो सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि एग्जॉस्ट नोट क्या बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, बाइक का थोड़ा बैटरी वीक है, सो बाइक अभी स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि शोरूम में खड़ी है, लोग आके बार बार की ऑन करके चेक करते हैं ना फीचर्स एंड ऑल, तो सर इसकी बैटरी वीक हो जाती है क्योंकि बाइक चलती तो है नहीं, तो वो बैटरी थोड़ी सी वीक हो गई है इसकी, सो इससे बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही। जब नेक्स्ट राइड वीडियो होगी तो उसमें आपको जरूर एग्जॉस्ट नोट उसका सुना दूंगा मैं A20 का, और परफॉर्मेंस की बात तो तभी करेंगे जब राइड करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसे दे रही है बाइक। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल कर दो जाके सब्सक्राइब। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल कर दो पहले सब्सक्राइब कर दो, सबसे पहले कर दो ये काम। और अगर आपको ये डोमिनर परचेज करनी है 250, 400 और कोई भी बजाज की बाइक, सो यू कैन कम एट दी अंबा बजाज BTM BTM लेआउट में अंबा बजाज शोरूम है, सीधा गूगल करो और आपको एड्रेस आएगा, डायरेक्शन लो सीधा इधर आओ, बाइक यहाँ पे अवेलेबल है, जल्दी से अपनी डील को आके फाइनलाइज कर लो। पीछे शोरूम देखो बहुत सारी बाइक्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बजाज की पल्सर सीरीज, एवेंजर, सारी सीरीज अवेलेबल है, E20 कंप्लायंट बिल्कुल लेटेस्ट बाइक्स, जल्दी से अपनी डील को आके फाइनलाइज कर लो यहाँ पे आके। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी वीडियो में, जब तक ले तिल देन सी यू, ओके बाय।